किसान भाई साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दलोदा मंडी वाव यूट्यूब चैनल पर। आज का दिन है 6 अगस्त 2023 का। आज के लहसुन की आवकों की रिपोर्ट जानेंगे। दलोदा मंडी से सीधे लाइव स्थिति आपको देखने को मिलेगी कि मंडी के अंदर किस प्रकार की लहसुन की आवक आज हमें देखने को मिल रही है। यह आवक जो मंडी के अंदर आपको देखने को मिलेगी, यह कल सोमवार 7 अगस्त 2023 के दिन बिकने के लिए आई हुई लहसुन आवकों की रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, वीडियो के साथ में बने रहेगा ताकि आपको पूरी आवकों की रिपोर्ट आज के दलोदा मंडी में जो आई है उसके देखने को मिल जाए, और इसके बाद में आप मंडी आने या न आने का निर्णय ले सकें। दोस्तों, ये मंडी की जो रिपोर्ट आप देख रही हैं सुबह की रिपोर्ट, दोस्तों दोपहर तक मंडी के अंदर की क्या स्थिति बनती है वो जानकारी नहीं है, लेकिन ये सुबह की रिपोर्ट मैं आपको दे रहा हूँ जो मंडी के अंदर हालात और स्थिति हमें देखने को मिल रही है। मेरी जानकारी दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पहली बार अगर आप जानकारी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि दोस्तों आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ये मेरा आप सभी किसान भाइयों से प्लीज़ निवेदन रहेगा। आवक के मंडी के अंदर और साथ ही हल्की सी झलक पिछले सप्ताह के बाज़ार की स्थिति की और भी जान लेते हैं कि पिछले सप्ताह में किस प्रकार का बाज़ार देखने को मिला है। आवके कभी कम भी हुई, कभी आवक बढ़ी भी है मंडी के अंदर, तो किस प्रकार का उतार चढ़ाव मंडी के लहसुन के भावों में हमें देखने को मिला, उसकी कुछ हल्की सी झलक अपने अनुभव के हिसाब से आपको बता देते हैं। दोस्तों, दिन है आज का 6 अगस्त 2023 का। ये लहसुन की आवक मात्र हमें देखने को मिली है। ये सुबह की आवक रिपोर्ट है दोस्तों, जो कि आपको वीडियो के माध्यम से देखने को मिली है। काफ़ी सामान्य से भी सामान्य आवक मंडी के अंदर देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले सप्ताह में देखा होगा कि मंडी में आवक किसी दिन कम पड़ी, किसी दिन बड़ी भी हैं। अभी कभी शुरुआत में अभी तक मंडी के अंदर 6000 कट्टों से ज़्यादा की आवक इस सप्ताह में हमें देखने को नहीं मिल रही है, और गेट भी लगे हैं दोस्तों, तो वो भी उतने वाहन मंडी के गेट पर देखने को नहीं मिले हैं। लगभग कभी कभी ज़्यादा से ज़्यादा माना तो 45 से 50 वाहन ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभी सप्ताह में हमें देखने को मिले, पिछले सप्ताह की बात कर रहा हूँ दोस्तों। लेकिन उसके मुताबिक भी अगर मंडी में आवकों की बात करते तो ज़्यादातर जो आवक मंडी के अंदर हमें देखने को मिली है वो लगभग लगभग 4.5-5 हज़ार कट्टों के आसपास की आवक मंडी के अंदर ज़्यादातर देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों, इन आवकों की सीमित स्थिति में भी काफ़ी किसान भाइयों का सोचना है, काफ़ी किसान भाइयों का कहना है कि कारण कल भी जो हमें देखने को मिला है, शनिवार का दिन 5 अगस्त 2023 को मंडी के अंदर मात्र 2500 से 3000 कट्टों की आवक देखने को मिली थी। सेकंड मंडी के अंदर भी मात्र 500 से 700 कट्टे ही निराम हुई, यानी कि टोटल ओवरऑल कल के दिन की आवक अगर आपको बताएं तो 4000 कट्टों की देखने को मिली थी। लेकिन उसके बावजूद भी बाजार की चाल में उतना उछाल देखने को नहीं मिला था कल, क्योंकि दोस्तों उसमें भी कुछ वजह थी कि डिमांडिंग के ऊपर भी निर्भर करते हैं, और कुछ आगे बेचवाल के ऊपर भी निर्भर करता है कि आगे माल कितनी तेज़ गति से माल बिक्री हो रहा है। तो दोस्तों, उसमें भी थोड़ा बिक्री कार्य धीरे हैं, और उतनी लेवल के हिसाब से उतनी लेवाली भी मंडी के अंदर देखने को नहीं मिल रही है अभी, तो उससे भी बाज़ार का माहौल थोड़ा स्थिर सा बना हुआ है। कभी कभी आपके कम हुई तो 200-400 रुपये ऊपर नीचे पिछले सप्ताह में हमें देखने को मिले, लेकिन ज़्यादा कोई विशेष तेज़ी मंदी जैसे कि 500 से 700 रुपये की इस प्रकार की देखने को नहीं मिले, चाहे वो छोटा माल हो, मीडियम माल हो, फिनिशिंग माल हो, किसी भी प्रकार की क्वालिटी हो। दोस्तों, उसमें ये इसी प्रकार के माहौल अभी आपने देखे होंगे, लगभग लगभग महीने भर से यही चाल देखने को मिल रही है। तो आवके तो थोड़ी कम पिछले सप्ताह से ही हमें देखने को मिली है, और आज भी मंडी के अंदर से मैं आपको स्थिति बता ही रहा हूँ कि इस प्रकार की एक सीमित दायरे के अंदर आवके मंडी के अंदर अभी सुबह की रिपोर्ट के अनुसार देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, निवेदन रहेगा आपसे कि जिस प्रकार की कल की आवक देखने को मिली तो बाजार 200-300 रुपए कहीं कहीं थे तेज़ देखने को मिला, कोई कोई लोड समान भाव पर भी बिका है, लेकिन फिनिशिंग वाले मालों में कल थोड़ी शानदार लेवाली हमें देखने को मिली आवकों की कमी को देखते हुए। दोस्तों, आवकों की कमी से कुछ रुझान बनते हैं, जिस प्रकार से अगर आवकों की कमी होगी तो व्यापारी भाई पर भी डिमांड आती है, तो उस डिमांडिंग पर अगर उनको माल ज़रूरत होती है, उनका जितना माल लेना होता है वो उन हिसाब से उन माल लेते हैं, लेकिन मंडी के अंदर अगर आवकें कम हो तो लेवाल भी बढ़ते हैं उसके अंदर, और लेवाली के अनुसार अगर बाज़ार भी कुछ 200-400 रुपए की तेज़ी हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों, ये इस प्रकार की आज की आवकों की रिपोर्ट है दोस्तों पूरी, जो कि मैं आपको वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। पिछले सप्ताह की भी स्थिति मैंने आपको बता दिए हैं। यह आवकों की रिपोर्ट आज की काफ़ी सामान्य आवक इसी प्लेटफॉर्म के अंदर आज की देखने को मिली है। तो इसी के साथ में आपको कुछ हल्की झलक या आवकों की रिपोर्ट के साथ में आपको आने वाले सप्ताह में भी किस प्रकार की रेंज देखने को मिलेगी, बाजार के अंदर किस प्रकार के भाव देखने को मिलेंगे, उस कुछ खुद के अनुभव के हिसाब से आपको जानकारी प्रदान करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये निर्णय माल को बेचना, कब बेचना, कितना बेचना, कहाँ तक बेचना,
कितनी बोरी बेचना, ये निर्णय आपका रहेगा। दोस्तों मैं आपको सिर्फ स्थिति बता सकता हूँ और अपने अनुभव के हिसाब से आपको जानकारी दे सकता हूँ, बल्कि निर्णय सारा आप सभी किसान भाई का रहेगा। मैं आपको सिर्फ जानकारी प्रदान कर देता हूँ। दोस्तों पिछले सप्ताह की स्थिति मैंने आपको बताई थी, क्या के कम पड़ी तो भी बाजार में 200-400 रुपये से ज़्यादा की तेज़ी देखने को नहीं मिली है। तो इसकी कुछ बड़ी वजह भी थी जो कि हल्की सी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से अपने शब्दों में बताई है, ताकि किसान भाई को हल्की सी समझ आए तो समझिएगा उस जानकारी को। थोड़ा घुमा फिरा कर मैंने आपको जानकारी दी है, लेकिन समझ में आए तो उसके माध्यम से मैंने दो शब्द उसके आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिए हैं। दोस्तों आने वाले सप्ताह के जानते हैं किस प्रकार का बाजार देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों विशेष तेजी मंदी उसमें भी हमें देखने को नहीं मिली, आओके कम ज़्यादा हुई तो बाजार 300-500 रुपये ऊपर नीचे होगा, लेकिन ज़्यादा बड़ी तेजी की संभावना आने वाले सप्ताह में भी हमें देखने को नहीं मिल रही है अभी। दोस्तों ये पूरी जानकारी आपको की रिपोर्ट के साथ में मैंने आपको दी है, जैसा कि 15 से 20 दिनों से पिछले बाजार हमें देखने को मिले हैं, एक स्थिर सा माहौल लहसुन के अंदर देखने को मिल रहा है। कभी कभी आओ के कम ज़्यादा ऊपर निर्भर कर रहा है बाजार, 200-300 रुपए ऊपर नीचे हो रहे हैं, 400-500 रुपए ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन फिर वहीं जाकर एक स्थिर से माहौल में फिर लहसुन आ जाती हैं, तो ज़्यादा ऊँचे नीचे बाजार देखने को नहीं मिल रहे हैं। कभी मैं आपको वही बता रहा हूँ घुमा फिरा कर कि आउको पर ही सारा खेल अभी चल रहा है, लेकिन कल भी हमने देखा आउके कम हुई तो भी बाजार ज़्यादा उछाल की ओर नहीं आया, 200-300-400 रुपए के बाजार की चाल बढ़ी। कोई कोई लोड समान भाव पर भी बिका है, लेवाली ठीक रही, लेकिन उतना कोई जोश जिस प्रकार से तेज़ी में हमें देखने को मिलता है उतना जोश लहसुन के बाजार में कल भी हमें देखने को नहीं मिला है। दोस्तों ये हो गई पूरी तरह से रिपोर्ट आउको की, लेकिन निर्णय आपका रहेगा, अपने अनुभव के हिसाब से आप काम कीजिएगा। मैंने अपने अनुभव के हिसाब से आपको स्थिति बताई है। मेरी जानकारी दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पहली बार अगर आप जानकारी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सभी किसान भाई दलोदा मंडी से सारी जानकारी देख पाए। मैंने आपको सारी रिपोर्ट बताई है, तेजी मंदी की दो शब्द मैंने बीच में आपको बताए हैं, अगर आप वीडियो को पूरे सुनेंगे तो आपको उसके माध्यम से पूरी जानकारी मिल जाएगी। मात्र दो शब्द कहे हैं दोस्तों उसके बारे में, जो भी पिछले सप्ताह का माहौल हमें देखने को मिला है उसके बारे में जानकारी दी है। तो ये पूरी रिपोर्ट हो गई आज की आवकों की रिपोर्ट के साथ में, काफ़ी सामान्य से भी कम आवक आज की दलोदा मंडी में अभी सुबह की रिपोर्ट में देखने को मिली है। आप दोपहर तक आते हैं, शाम तक आते हैं, कब तक आते हैं मंडी में उस तक परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन दोस्तों ये सुबह के हालात और परिस्थिति में आपको बता रहा हूँ जो कि आपको वीडियो के माध्यम से देखने को मिल गई होगी। दोस्तों मैं आपसे निवेदन करूँगा तेजी मंदी के आने वाले दिन भी मैंने आपको बता दिए हैं और पिछले सप्ताह की रोज़ भी बता दिए हैं, बस दो शब्द जो अंदर हैं वीडियो के अंदर उस पर आप थोड़ा गौर कीजिएगा, ताकि आपको कुछ अच्छे भाव मंडियों से देखने को मिले हैं लहसुन के आगे भी। दोस्तों इस मेरा निवेदन रहेगा आप सभी किसान भाई के, अपने खुद के अनुभव से ली गई जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, बल्कि अपना निर्णय आप खुद लीजिएगा। जय जवान जय किसान।